भैया ने आज है हमारे पास एक और गाड़ी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, और दूसरी गाड़ी है अपने पास सुपर स्प्लेंडर हीरो की तरफ से आने वाली मोस्ट अवेटेड दो बाइक। दोनों में ही काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज किया गया है, इसको भी अपडेट किया गया है और इसको भी अपडेट किया गया है। तो आज अपन करने वाले हैं इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन, कि इनमें से कौन सी बाइक आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर अपन प्राइस की बात करें तो केवल 2000 का अंतर आने वाला है आपको ऑन रोड प्राइस में। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पे करके सुपर स्प्लेंडर ले सकते हैं और थोड़ा सा कम पे करके स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक ले सकते हैं। तो आज अपन करने वाले हैं इन दोनों का बाइक्स का कंपैरिजन कि कौन सी बाइक बेस्ट है आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक जो नई नवेली आई है इससे ही शुरू कर देते, नहीं तो मेरा पूरा मन जाएगी। तो इससे ही शुरू करें, सबसे पहले अपन टायर देखो, वहाँ पे आपको ब्लैक अलॉयस मिल जाते हैं, साथ में आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है और साथ में आपको 18 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। और यहीं पे अगर अपन बात करें सुपर स्प्लेंडर, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें भी आपको जो 18 इंच के टायर मिलने वाले वो भी ट्यूबलेस। साथ में अगर आप रिफ्लेक्टर्स की बात करो तो वो आपको मडगार्ड पे ना देकर यहाँ पे नीचे आपको साकप्ष में दिए गए हैं। तो काफ़ी मतलब इसमें आपको थोड़ा सा अंतर मिलने वाला है। लेकिन अगर अपन टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 2818 में भी आपको 18 इंच के टायर मिल जाएंगे, साथ में आपको ब्लैक अलॉयज भी मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं अपन फ्रंट लुक से, तो फ्रंट लुक जो है काफ़ी अग्रेसिव लगता है अपनी सुपर स्प्लेंडर का। साथ में ये ब्लू कलर है, साथ में वाइट स्ट्रिप्स और ग्रे स्ट्रिप्स और साथ में ब्लैक स्ट्रिप्स भी दी गई हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं और गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करती हैं। यहाँ पे आपको हीरो का लोगो मिल जाता है, साथ में आपको हैलोजन लाइट मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप वहीं पे अगर अपन स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की बात करें तो नई नवेली अपनी ये गाड़ी सबसे प्यारी, यहाँ पे आप देख सकते हो मास्क, यहाँ पे आपको ब्लू लाइन मिलने वाली सबसे पहले नंबर, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलने वाले कुछ इस तरीके के, और इंडिकेटर्स की बात अपन सुपर स्प्लेंडर में आगे करेंगे। साथ में आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में आपको हेडलाइट मिलने वाली, ये भी आपको हेडलाइट मिलने वाली है। लेकिन अगर अपन लुक वाइज देखें तो इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है, जबकि पुराने वाले अगर अपन स्प्लेंडर प्लस देखें तो ठीक ठाक ही लुक्स था, लेकिन वो लुक्स ठीक ठाक था, लेकिन ये लुक अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको मास्क पे थोड़ी सी जो है ग्राफिंग की गई है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED लाइट मिलने वाली है, जबकि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में केवल क्रोम की लाइनिंग मिलने वाली है, इसमें आपको कोई भी LED लाइट नहीं मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं अपन डिजिटल मीटर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपडेटेड होकर आई थी कुछ टाइम पहले। अब जब इसको चालू करते हो आपको हीरो का लोगो, साथ में न्यूट्रल का स्विच, I3S का स्विच, चेक इंजन लाइट, लो फ्यूल लाइट मिलने वाली है, इसमें भी आपको 140 तक स्पीड मिलने वाली है। साथ में यहाँ से दो बटन दिए गए हैं जिससे आप इसको जो कंप्लीट जो डिजिटल डिस्प्ले है थोड़ी सी इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है बता रहे हैं, इसमें आपको कंप्लीट ऑडोमीटर मिल रहा है, फ्यूल मीटर मिलने वाला है, साथ में आपको गाड़ी का एवरेज बताएगी स्पीड के साथ में, कितने स्पीड में आपकी गाड़ी कितना एवरेज देगी, साथ में यहाँ पे आपको टाइम मिलने वाला है। लेकिन वहीं पे अपन बात करें अगर स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की, भाई पूरा का पूरा चेंज किया गया है। जब आप इसको चालू करोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा आएगा, साथ में हमने कहीं नहीं देखा हेलो माई हीरो, हर बार कह रहा है एक नंबर चीज़ लगी है गाड़ी में। फ्यूल मीटर मिल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप किया गया है जो काफ़ी अच्छा लगता है। लो फ्यूल की लाइट मिल जाएगी, न्यूट्रल स्विच मिल जाएगा, चेक इंजन लाइट मिल जाएगी, साथ में एक बटन दिया गया है जहाँ से आप ट्रिप वगैरह जान सकते हो। जब आप एक बार स्विच बंद करके इसको चालू करोगे ना तो आपको पता चलेगा क्या क्या फ़ीचर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे आपको फ़ीचर मिलने वाले हैं, साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्ट भी मिलने वाला है। अब बात कर लेते अपन स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के हैंडल बार्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको अपडेबर का स्विच, इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाएगी, हॉर्न मिल जाता है, I3S का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे पावर स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पे अगर अपन सुपर स्प्लेंडर की बात करें हैंडल बार की, तो यहाँ पे पास लाइट का एक स्विच मिल जाता है, अपर डबर का स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है, I3S मिल जाता है और सेल्फ स्टार्ट, ये सब कुछ इसमें सिमिलर मिल जाता है। बस एक चीज़ का अंतर है कि इसमें जो है आपको पास लाइट मिल जाती है, लेकिन उसमें आपको पास लाइट नहीं मिलती, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कमी है। साथ में आपको यहाँ पे बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है और यहाँ पे आपको एडवांस थोड़ा सा नया सा देखने वाला फ्यूल टैंक का ढक्कन मिलने वाला है। लेकिन इसके अगर अपन ढक्कन की बात करें तो इसमें आपको 10 लीटर की टंकी मिलने वाली है, ये अपना पुराने वाला आपको ढक्कन मिलने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर नए ग्राफिक्स मिलने वाले हैं और इसमें भी आपको नए ग्राफिक्स नहीं, केवल कलर का अंतर है, ये कलर चेंज करके नए नए कलर आपको इसमें मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक एडवांटेज भी है
कि इसमें तो बार बार नए कलर आते रहते हैं, तो आप ऐसा वाला एक मॉडल ले लीजिए। और स्टिकर जो हैं सभी हीरो शोरूम पे अवेलेबल कराए गए हैं, तो जैसे ही आपको जैसे पुराना वाला मॉडल हो गया आपको पसंद नहीं आया, तो आप अपने हिसाब से स्टिकर चेंज करवा सकते हैं, तो आपकी गाड़ी जो है फिर से नई जैसी हो जाएगी। तो ये अपनी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर अपन दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलने वाला है, साथ में आपको 5 गियर्स मिलने वाले हैं। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें आपको हीरो का ट्रस्टेड सबसे ज़्यादा बेहतरीन सबसे अच्छी सर्विस देने वाला 100 सीसी का इंजन मिलने वाला है, जिसमें आपको 4 गियर्स मिलने वाले हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें आपको पावर पिकअप बेहतर मिलने वाला है, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है, इसमें भी आपको सब कुछ ज़्यादा मिलने वाला है। साथ में आप देख सकते हैं कि स्पीड वायर भी आपको इसमें पीछे की तरफ लगाया गया है, मतलब आप जब पीछे का टायर चलेगा जब भी आपकी स्पीड इसमें दिखाएगी शो होगी, ये भी काफ़ी अच्छी बात दी गई है। अगर अपन फीचर्स वाइज देखें और फीचर्स वाइज और नए लुक्स वाइज अगर अपन देखें तो अपने स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक आगे निकल जाती है। साथ में इसका माइलेज भी सुपर स्प्लेंडर 125 की तुलना में अधिक होने वाला है। लेकिन अगर अपन थोड़े से अगर अपन लुक्स पे जाएं, नई जनरेशन के लुक्स पे जाएं अगर, तो यहाँ पे इसका लुक्स भी किसी से कम नहीं है, इसका लुक्स भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर अपन इसका कंपैरिजन इसके साथ करें तो इसका लुक्स आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन आप लुक्स पे ना जाएं, आप फीचर्स देखिए और गाड़ी के अंदर की बात अगर अपन करें तो इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलेगा, लेकिन आपको उसमें पूरा का पूरा डिजिटल मीटर मिलने वाला है, साथ में नए फीचर्स मिलने वाले और नई गाड़ी जो है एडवांस वर्जन होके आई है उसकी खुशी थोड़ी सी अलग ही होती है। तो हम इस बारे में अगर अपन बात करें तो विनर होने वाली है अपने स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। हमें काफ़ी अच्छी ये गाड़ी लगी है और मैं रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी लो, काफ़ी अच्छी आपको गाड़ी सर्विस देने वाली है। ये हो गया भैया कंप्लीट कंपैरिजन सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में, जिसमें आपने विनर हुई है स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। तेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।